पाल का फोन आता है कि गोलू तू वही सूट पहन लियो, पहले पेट भूजा काम दूजा। अच्छा लग रहा है, तो बहुत बड़ा तू भाई आया ना घर पे यार, फुल खेलूंगी, फुल कूदेंगे, फुल मस्ती करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा बेड बना देते हैं। लक्ष्य लिए की मार्केट मैंने अभी कमरे में छोड़ के गई हूँ। बैग कहाँ है यार, हंस रहे थे सारे। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आने वाली है पायल दोनों बेबीज के साथ घर पर। तो आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई, वैसे तो मैं थोड़ा लेट इसलिए हो जाती हूँ जैद की वजह से, जैद की वजह से नींद पूरी नहीं होती, बट आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। डेकोरेशन वाले भैया भी आ गए हैं तो बस फटाफट डेकोरेशन स्टार्ट करवाते हैं। तो गाइज यहाँ पे डेकोरेशन आ गई है, बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशन है और साथ ही साथ ना दो कलर आए हैं, बेबी गर्ल के बेबी बॉय के, क्योंकि मैंने इनको बताया था दोनों आ रहे हैं। तो अभी ना सबसे पहले हम पाल वाला जो रूम है उसको डेकोरेट करवाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हल्का सा बाहर ना ये लगा है छोटा सा, तो थोड़ा जैसे डेकोरेशन होती रहती है वैसे वैसे दिखाती रहती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना हॉस्पिटल से कपड़े भी आ गए हैं, बहुत सारे कपड़े आ गए। तो ये कल कपड़े मैं लेकर आ रही थी बट मेरे पास ना सामान था तो इसलिए मैं लेकर नहीं आ पाई। दीपक इनमें मैले कपड़े है, साफ कपड़े भी है, तो मैंने अलग अलग करे हैं। पाल को कौन सा सूट भेजा? पाल का फोन आता है कि गोलू तू वही सूट पहन लियो। मैंने वो आपके कल चार सूट आए ना उसमें से एक सूट भेजा है, व्हाइट वाला। नहीं नहीं, फिर उसमें दो क्या बोलते हैं, धारती वाले तो व्हाइट ही तो है। तो गाइस एक कल सूट आया बहुत सुंदर स्वैंकी काउचर से, व्हाइट कलर का सूट है, सरदार जी बने हुए हैं, बहुत सुंदर सूट है नियॉन कलर के। तो पायल मुझे गोलू तू भी सेम पहन लियो, तो इसलिए मैंने पूछा। तो गाइस यहाँ पे चल रहे नाश्ते की तैयारी, शांति सबने नाश्ता कर लिया ना, सिर्फ मेरे को छोड़ के आके सबने नाश्ता कर लिया। तो शांति पहले तू मुझे नाश्ता दे दे, पहले पेट भूजा काम दूजा, पेट भूजा पेट पूजा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी भी हो गई रेडी, मम्मी जा रही है हॉस्पिटल क्योंकि दो दिन दीदी यहाँ पे रुक गए थे, कल रात को मम्मा रुक गए, तो अभी मम्मी जा रही है। और पायल का फोन आया था कि वो एक बजे तक आ जाएगी, बट ना बोलने की बात है एक टाइम लग जाता है, तीन चार बज जाते हैं क्योंकि वहाँ पे केक कटिंग होगी, टाइम लग जाता है। नहीं तो शाम के 5 बजे, पर मम्मी मेरे को लग रहा है पायल को शाम के 5 नहीं बजेंगे, मेरे तो फोटो शूट हुआ था ना इससे टाइम लग गया था। मेरा नाश्ता हो गया डन और चीकू को मैंने हार, चीकू बेटा मत करो, तो मैंने परेशान हो गई बोल बोल के, चीकू कुछ खा ले, लड़का नाश्ता नहीं कर रहा। चीकू जब तक बनाना नहीं खाओगे हिलोगे नहीं, जल्दी आ गए बनाना खाओ, पूरा बनाना। और ये ना ये गाइस डेकोरेशन वाले से लेकर आया, इसके ना कुछ भी बना सकता है ये चीकू। अभी आप ही तो बना के घूम रहे थे केक का। ओ वाह यार, अच्छा लग रहा है, तो बहुत बड़ा। दीपक यार मैं बड़ी सोच में हूँ लंबी। क्यों? और परेशान भी हूँ। क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ ऐसे रात में, मैं सोची ये गया तो कहाँ गया, मेरा इतना मन था यार बेड पे लगाने का, क्योंकि ना ये गाइस ये वाला जो है ना ये आयान ने ना सॉरी जैद ने ना सोकर थोड़ा सा वो हो गया, उसकी ना मैली मैली लुक हो गई और मेरा बिल्कुल मन नहीं है लगाने का क्योंकि ये पुराना है, मेरा मन था नया लगाने का, बस दो इसलिए तो थे दीपक। मैंने ना सारी अलमारी सेकंड फ्लोर की, फिफ्थ फ्लोर की और किसी और के घर तो नहीं रखा है, मुझे भी लगा, और 13 की भी सारी चेक कर ली। जब मैं आई थी डिलीवरी के बाद तो ये नहीं था क्या यहाँ पे? नहीं था, आपके सामने भी था ये। मैं आई थी घर पे तो ये नहीं लगाया हुआ था, स्टार वाला लगाया था। हाँ, मगर सामने आया था ये ना। हाँ। मगर स्टार वाला लगाया था, पता नहीं ये वाला कहाँ है, मुझे लगता है इस बेड में ही। देख चुकी है कल सही, नो बेड देख लिए। शान और ये मेरी बच्ची उठ गई क्या, मेरी बंदरी उठ गई का, मेरी सोनिका की उठ गई का। तो आप इसके कपड़े भी सारे गाइस ही आ गए, इसके सारे कपड़े धोने के लिए क्योंकि ना इसके कपड़े मैं अलग से धुलवाती हूँ, उसका डिटर्जेंट भी खत्म हो गया दीपक, मैं 3 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था। सही है, आ जाएगा, तो इसके कपड़े लपेट देती हूँ। दीपक तूने ये देखे थे मैंने बच्चों के लिए ऐसी ब्लैंकेट मंगवाए, जैसे हमारे ब्लैंकेट होते ना ऐसी हम लेते हैं रात को, ऐसे बच्चों के लिए देख, ये है जैद और अयान का, ठीक है मिक्स ओके लग रहा है, और ये है हमारी प्रिंसेस का तूबा का अलग है, इसका स्टॉप भी बड़ा अच्छा लग रहा है। एक हाथ लगा के देख कितना प्यारा है ना इसी ब्लैंकेट, है ना, भी डेकोरेट करवा दूं? इसको डेकोरेट कैसे कराओगे? सजाऊंगी कमरे में। इसे ऐसे साइड में रख देना जब पायल ऐसे बड़े लोग नहीं सजाते। हाँ, इसका बत्तख बनाओगे? बत्तख हाँ, होटल में जैसे बनती है बत्तख तो बनी हुई है देख, पर बहुत अच्छा है यार, इससे फिश बनी हुई है, बड़े प्यारा कपड़ा है। चाचू सोना बात चाचू बोल दिया गलती से, गाइस माँ एक्साइटेड होके ना बच्चे को क्या क्या बोल देती है, सोना चाचू बोलता है, सोना बाबू बोलना था, सोना बाबू बाबू उड़ गया सो गया। नहीं इसके चाचू भी अच्छे ना, बार बार आ रहे बेचारे जैद को देखने। भाई बहन आ रहे ना देखो पकड़ो, ये पहन रहे हैं जैद, हीरो बन रहा है पूरा, बॉस के जूते पहन रहा है और इसके कपड़े बॉस की टाई भी लगी है, कमाल है। देखो कौन लेके आया, कोई गिफ्ट आया था, कैसी लग रही भैया? बहुत अच्छी है, बेबी डॉल जैसी फ्रॉक है, बस को एक साल में आएगी अभी ना, क्योंकि बड़े बड़े कपड़े हैं ना बच्चों के हमारे पास, सही है ना, बड़े होने चाहिए कपड़े एक साल। हाँ।
क्वेश्चन पूछना है, जैसे ना मेरे को दो तीन चीज़ें मंगवानी थी, मैं लक्ष्य को भेज रही हूँ मार्केट, तो मेरा एक आइडिया आया है कि जैसे अयान और तूबा आएंगे ना, तो छोटे से इतने से हार नहीं होते, इतने से हार फूलों के, वो बना सकते हैं डेकोरेशन? ठीक है लक्ष्य लिया भैया, तो ये आइडिया कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। तो छोटा सा मैं हार, आइडिया नहीं है आइडिया तो मेरा है, छोटे से हार मंगवा रही हूँ गाइस मैं, दो अयान और तूबा के लिए और एक बड़ा वाला हार सेम पाई के लिए। लक्ष्य जो जो सामान बोले, एक व्हाइट कपड़ा, आलता और दो हार छोटे वाले और एक बड़ा हार, फटाफट जाके मार्केट लिया। एक सिंदूर की डब्बी दीदी मंगा दो। क्यों ले आई हो, शांति ने बोला तो? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दीदी के दोनों बच्चे घर पे आने वाले हैं। आज हम बहुत खुश है, तूबा अयान घर पे आ रही है, उसका इंतजार हो रहा है फूल और डेकोरेशन में। आज बहुत खुश है अयान और तूबा घर पे आ रहे हैं। आज बहुत खुश है अयान और तूबा घर पे आ रहे हैं। तो आज बहुत खुश है अयान और तूबा घर पे आ रहे हैं। आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि अयान और तूबा घर पे आ रहे हैं। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो गाइस सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ क्योंकि अयान तूबा घर पर आ रहे हैं। फाइनली हमारी जो फैमिली है कंप्लीट हो जाएगी। घर में जो सपना था ना तीन बच्चे घूमेंगे, तो आज वो बच्चे आ जाएंगे और बहुत ही मजेदार बेड पे ना तीन बच्चों को रखूंगी ऐसे, और फुल खेलूंगी, फुल कूदेंगे, फुल मस्ती करेंगे। तो गाइस मैंने ना हमारी दो गुड़िया भी निकाल ली है, ऐसे तो हमारे पास एक गुड़िया है पर चीकू के पापा दो गुड़िया लेकर आए थे, तो ये भी निकाल लिया, दो गुड्डे भी निकाल लिए, सब ना बेड पे भैया सजा दूंगी। हैं सही नहीं है? बिल्कुल सब अपने अपने हाथ में केक रख लेंगे आती। अच्छा भैया मैं सोच रही, देखो यहाँ पे पायल, यहाँ पे मैं, यहाँ पे सारे बच्चे, फुल बेड पैक। और देखो अगर हमें जैसे ज्यादा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम सोच रहे कि दो कमरों का बड़ा बेड बनवा ले। ये बेड है ना, ऐसा एक कमरा थुड़वा के ना एक और बेड बनवा ले। कैसा आइडिया? ये वाली दीवार, ये दीवार थुड़वा देती है और यहाँ पे एक बड़ा बेड बना देते हैं, फिर हम सारे आ जाएंगे गाइस। तो गाइस अभी अभी खतरनाक सा प्रैंक कर रहा हूँ मैं, बच्चे तो आ रहे हैं घर पे, गोलू फुल एक्साइटेड, उसको पता ही नहीं है कि जैद है कहाँ। जैद को क्या करता हूँ, निष्ठा को देखे ना गलती में खड़ा कर देता हूँ वहाँ पे पीछे, छुपा दूंगा बिल्कुल, दिखेगा नहीं। लड़की को पता है अकेला छोड़ रखा है लड़का, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। चलो तो हम इसको कहाँ छुपाएंगे, इधर आओ, इधर नीचे बैठ जाओ, रोती पता लग जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा ना, दिखेगी नहीं, इधर देख, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा, यहाँ से कोई दिख नहीं रहा है ना, दिख रहे पैर, दिख रहा है थोड़े से, बस पैर अंदर कर ले, बस बस हम अपने। तो एक काम करते, इसको करते बंद, पता लगेगा क्या होगा। हो गया? हाँ हो गया, बस यहाँ का तो एक काम कर, एक बार ना ज़ायद को यहाँ ले, एक ना रील बनाएगा अच्छे से मजेदार सी, बेडशीट तो चेंज करा लो बेटा, वो तो मैं करा लूंगा, यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ से पूरा व्यू लेंगे, देखो यहाँ का पूरा व्यू लेंगे, ज़ायद अकेला होगा यहाँ पे, और बहन भाई ये ले लेंगे, ये रख देंगे उसके आस पास, और फिर थोड़ी देर बाद ओरिजिनल आ जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई, एक काम कर, लेके ज़ायद को लेकर चला, क्यों रखा तू, इतना खर्चा क्यों करा? दीपक ज़ायद को दियो बेटा, नहीं आ नहीं है, लक्ष्य से पूछ एक बार, लक्ष्य चली गई मार्केट, तो ज़ायद कहाँ है? दीदी सपना दीदी नहीं, ज़ायद कहाँ है? ज़ायद उस कमरे में तो है नहीं, ज़ायद वहाँ पे नहीं है, मैं बना रही हूँ नाने को, उसकी मैं तो इधर देख उस कमरे में, ज़ायद कहाँ है अभी? तो लक्ष्य मार्केट तो नहीं ले गई, दीपक खिलाड़ता था अभी। शांति ज़ायद कहाँ है? नहीं मैं तो किचन में हूँ। तो ज़ायद कहाँ गया? हाँ ज़ायद कहाँ भैया? पता नहीं, नितिन तो नहीं ले गया अभी? नहीं कमरे में था, ज़ायद कहाँ गया? लक्ष्य से पूछती हूँ, मैंने अभी कमरे में छोड़ के गई हूँ, अभी कोई नीचे ले गया खिलाने के लिए। दीपक ज़ायद कहाँ है यार? दीदी यहीं सो रहा था बहुत देर से। तो मेरे को दिख क्यों नहीं रहा? लक्ष्य का फोन नहीं लग रहा अभी, लक्ष्य तो मार्केट गई है नीचे एक बार, सेकंड फ्लोर। लक्ष्य ज़ायद तेरे पास है, तू मार्केट लेके गई है क्या उसे? ज़ायद को सेकंड फ्लोर पे, तो ज़ायद कहाँ है नूनी? अरे कहाँ है ज़ायद, बताएगी, बकवास कर रही है। मैंने देखा मैं किचन में खाना बना रही थी। ज़ायद कहाँ है? ज़ायद कहाँ है? मुझे यहाँ पे रख के गई हूँ मैं। रख के गई कोई सामान है क्या? मैं लेके थोड़ी हांटती रहूंगी, एक बच्चा आदमी तो होना चाहिए ना। दीदी थी, दीपक था, देखो ना ज़ायद कहाँ गया। सेकंड फ्लोर पे फोन करके पूछो, दीपक फोन करियो एक बार नीचे, कहीं नितिन तो नहीं खिला रहा? नितिन भाई ज़ायद आपके साथ है क्या? नहीं तो ज़ायद कहाँ गया भैया, मुझे दिख नहीं ना घर पे। नितिन ऊपर आ जाए एक बार जल्दी से, फोन लेके गया ये बता मुझे, हॉस्पिटल तो नहीं भेजा तेरी माँ को लेके? नहीं मैंने नहीं भेजा, मुझे पता है झूठ बोल रहा, बताओ कहाँ है? मैंने थोड़ी छुपाया है, आप आयो तब तक था वो। तो कहाँ है ज़ायद? कैमरे चेक करो जल्दी जल्दी। मैंने नहीं भेजा ज़ायद कहाँ गया, उड़ के थोड़ी जाएगा बच्चा, अभी 5 मिनट पहले देखा है यहाँ डेकोरेशन करवाते हुए, 5 मिनट पहले देखा है यार, मुझे बता दो ना कौन मजाक कर रहा है, कौन लेके गया, फोन करो नितिन को आप। घर में बच्चा है, मैंने कपड़े निकाले अभी उसके, मैंने अभी अभी कपड़े निकाले, 5 मिनट पहले तो कपड़े निकाले, देखो बताओ ना कहाँ है? मुझे नहीं पता बस, क्यों रहे हो फिर? वो तो मैं ऐसे सर हूँ, बता कहाँ है? मुझे नहीं पता, बताओ ज़ायद कहाँ है? भाभी मुझे लग रहा है नितिन ही प्रैंक कर रहा है। ये भैया कोई प्रैंक होता है नहीं, ज़ायद दे दो ना यार, मैंने तो दिया था। ज़ायद कहाँ है? राहुल नहीं मिल रहा मुझे, कोई लक्ष्य? हाँ राहुल, राहुल मम्मी कैसे मेरे को नहीं पता, जल्दी बता कहाँ है राहुल? क्यों रहा है पता है ना नितिन के पास ना, भाई मुझे लग रहा है ये प्रैंक कर रहे हैं। जा एक बार वहाँ उसके पास, क्या बोलते हैं मशीन के पास, कपड़े पड़े वो उठा दिला,
यार तू पागल है रिश्ता छोड़ दिया था ना अकेले, इसलिए हमने इसको यहाँ रख पागल है क्या यार देश को। यार भैया ऐसे मत किया, कोई प्रैंक है बताओ मेरा बच्चा देख ना छो सारे के सारे बहुत गंदे हो तुम, सब बहुत गंदे हो, छोटे से बच्चे को प्रैंक कर रहे हो। भाभी देख लो इसको पता ही नहीं, हमने बच्चे को तंग नहीं किया सारा काम इसका प्रैंक होता है भैया, इसको बच्चे को बाहर छुपा रहे हो छोटे से बाहर धूप में। शमीज होती है देखिए क्या आदत होगी लड़की, फोन लेके गया था मुझे नाम बता, बोलना चाहे ना सबके पोल खोल दे। खाली तू? हाँ जी। फुल हीरोइन बन गई? अभी नहीं, अभी तो मेकअप वेकअप बाकी है, अभी तो मैं क्या हूँ। डेकोरेशन दिखाऊं? दिखाओ। तो गाइस मुझे ना 101% यकीन था कि ना ये मेरे साथ प्रैंक करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे घर से मच्छर भी नहीं जाता है तो फिर भी ज्यादा है, इनकी बिना परमिशन के एक मच्छर तक भी नहीं उड़ता हमारे घर से। मुझे पक्का पता है कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसी मेरी शक्ल दिखी ना शांति की दीपक की, सारे इतने कूल रिएक्शन दे रहे, मैं समझ गई। मैंने कहा बेमतलब ना वो करने का फायदा नहीं है, ये सारे मिले भगत है सारे के सारे। दीपक तेरी शक्ल से ज्यादा लग रहा था मुझे, छोटी वॉशरूम भी जाती हूँ ना तब भी किसी को बिठा के जाती हूँ। रिएक्शन बिल्कुल जीरो थे, ऐसे लग रहा था कि बच्चा इसका गायब भी नहीं हुआ, ऐसे कहाँ है क्योंकि मुझे पता था। गाइस अब बस तैयारी करने वाले हैं अपने नहाने धोने की और रेडी होने की, क्योंकि ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो गई है, बार बार की रह गई है। तो ये वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी पायल जब हॉस्पिटल से आएगी वो व्लॉग हम दूसरा कंटिन्यू करेंगे, वो व्लॉग बिल्कुल देखना मिस मत करना। पायल का रिएक्शन देखेंगे, उसकी डेकोरेशन जो है उसको कैसी लगी, हर एक चीज है ना वो देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। तो ये वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।